अस्सलामुअलैकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम सब प्लान कर रहे हैं कि बाहर जाते हैं डिनर करने के लिए, और जिस रेस्टोरेंट में हम जाने वाले हैं वो बोरेवली वेस्ट में है, जिसका नाम है पंगत। मुंबई की ट्रैफिक देखिए, रात के वक्त भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक है। चलिए वहाँ पहुँच कर फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, पंगत रेस्टोरेंट देखिए सामने है, और अब अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है, मतलब अगर दिन में आप आते हो या फिर वीकेंड पर आते हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है, आपको यहाँ पर वेट करना होता है। हम डिनर के लिए रात के 10 बजे के बाद गए थे, इसलिए यहाँ पर आपको खाली खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका 11 के बाद आई थिंक 11:30 तक इनका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। अगर आप सी फूड लवर हैं तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर ही इनका पार्सल काउंटर है, आई थिंक ये लोग होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही इनके कुछ 8 से 10 टेबल लगे हुए हैं। इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है ये तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब आप देख लें यहाँ की जो वॉल पे फ्रेम लगी हुई है, हर एक चीज़, मतलब यहाँ पे आपको एक कोकनी विलेज जो है ना उस तरह की वाइब आएगी। इन्होंने इस तरीके से कुछ इंटीरियर किया हुआ है, और ये ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको वॉशरूम मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पर कोई वॉशरूम नहीं है। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और ये देखिए जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर पे चढ़ोगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल मतलब विलेज वाली वाइब्स आपको आ जाएगी। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हो ना, मतलब आप रुक जाओगे एकदम से। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि पूछिए नहीं। ये जो आप मिट्टी के चूल्हे देख रहे हैं ये हम अपने बचपन में, मतलब गांव में हमारी नानी वगैरह जो है मिट्टी के चूल्हे पे खाना वगैरह बनाया करती थी, अब तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, और ये एसी डाइनिंग है, ठीक है। और ये देखिए इंटीरियर, यहाँ की हर एक वॉल देखें आप किस तरीके से इन्होंने मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव आप कह सकते हैं कि थी। इस रेस्टोरेंट में आपको इंडियन कुजीन, चाइनीज़ कुजीन, इवन जैसे कि मैंने बताया मालोनी फूड, सी फूड बहुत ही फेमस है यहाँ पे। अगर आप आते हो, अगर आप थाली खाना चाहते हो तो वो भी आपको चिकन थाली, मटन थाली, सी फूड थाली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाएगी। इनके पास इतने ज़्यादा वैरायटीज़ हैं मेन्यू में कि पूछिए नहीं। मैं कैमरा घुमा के आप लोगों को ऊपर का ये फर्स्ट फ्लोर का पूरा डाइनिंग एरिया दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय करें। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। अगर आपको यहाँ का एड्रेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगी। अब थोड़ा सा आप लोगों को मेन्यू भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। देखिए लिखा हुआ है पंगत द फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है। अब ओपन करते हैं और दिखाते हैं, देखिए ये सारी आपको थाली मिलेगी, वेज थाली, नॉन वेज थाली, जो भी आपको खाना है। और उसके अलावा देखिए तवा एंड नॉर्थ इंडियन, ये सारे कुजीन भी आपको मिलेंगे, राइस, कर्ड। तो प्राइजेस भी आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से सुकून के साथ देख सकते हैं। मैंने बस क्विकली थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, स्टार्टर मेन कोर्स में क्या क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने ऑर्डर दे दिया है और अब इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही आता है आपको बताते हैं कि हमने क्या मंगवाया था और उसका टेस्ट कैसा था, ये खाना खाने के बाद आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ गया है, और स्टार्टर में हमने मंगाया था चिकन क्रिस्पी, तो आइए आप लोग भी खाएं हमारे साथ। यहाँ आएं और सी फूड ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए हमने मंगाया है बॉम्बिल फ्राई, जिसे कि बॉम्बे डक भी कहा जाता है, तो कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही।
और यहाँ की एक और खास बात जो है वो ये आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ इन्होंने स्टील के बर्तन में सर्व की है। उसके अलावा हमने मंगाया है पॉपलेट फ्राई, देखिए पत्तों के ऊपर ये किस तरीके से फिश को मतलब फ्राई फिश को सर्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। और हमने मंगाया है वेज थाली। इसके अलावा हमने कोमड़ी वड़े भी मंगाए थे, लेकिन वो वीडियो शूट करना मुझसे मिस हो गया। और यहाँ पर हमने मंगाया था मटन ग्रेवी और ये देखिए बटर नान, ये सारी चीज़ें हमने मंगाई थी। और खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली बोम्बिल फ्राई और यहाँ की भाकरी एंड कोमरी वड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो जाते जाते मैंने सोचा एक बार आपको और दिखा दें। तो देखिए यहाँ की वॉल की डिज़ाइन देखिए कितनी डिफरेंट है इन्होंने मतलब बनाया, इनका इंटीरियर देखिए। तो बस अब ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।